ओरिजिनल स्टोरी है, उसका टाइटल है चाय का प्याला। जैसे कि टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि स्टोरी कितनी ही प्यारी है। स्टोरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इससे जो लाइफ लेसन मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टोरी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। किसी विख्यात गुरु के पास लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। इसी कड़ी में एक दिन एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से, अपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आया गुरु जी के पास। ठीक है, उसने अपनी बात रखी, उसने पूछा, लेकिन गुरु जी कुछ कहते उससे पहले वो उसके बारे में, यानी करियर के बारे में जो वो जानता था, वो उसके बारे में लगातार बोलता रहा। मतलब उसने पूछा लेकिन उनको सुनने की बजाय वो अपनी ही बातें कहने में मग्न हो गया, वो अपनी ही बातें कहता रहा। वो व्यक्ति कई मतलब कुछ किताबें पढ़ के, कुछ बुक्स पढ़ के उसे लगता था कि उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो हर जगह प्रूफ करता था कि उसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, गुरुजी देख रहे थे, तो गुरुजी ने क्या किया, उसके अहंकार को कम करने के लिए उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए चाय मंगवाया। उसके बाद गुरुजी ने केतली से कप में चाय डालना स्टार्ट किया। और वो व्यक्ति अभी भी लगातार बोले जा रहा है। फिर गुरुजी कप में चाय डाल रहे हैं, तभी उसकी नजर कप पे पड़ी। उसने देखा कप तो भर गया है, फिर भी गुरुजी उसमें चाय डाल रहे हैं। उसने गुरुजी को रोकते हुए कहा कि गुरुजी कप तो भर गया है, अब जमीन पर चाय गिर रही है, उसमें और चाय नहीं आएगी। तो गुरुजी ने बड़े ही प्यार से उसे आंसर करते हुए कहा, इसी तरीके से तुम्हारा कप भी भर गया है, अगर तुम उसे खाली नहीं करोगे तो भला उसमें मेरी बातें कहां से समाएंगी। समझ आया कुछ आप लोगों को? कहते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वो एक अच्छा वक्ता भी होता है। यानी आपके कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं या सलाह नहीं भी ले रहे हैं, तो सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी भी बात सुनना चाहिए। हमेशा ऑल टाइम अपनी ही बातें नहीं बोलना चाहिए। हम कुछ बुक्स पढ़ के या कुछ एक्सपीरियंसेस लेके लाइफ का हमें लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें ही सब कुछ पता है। ऐसे लोग जो ऐसा कर जिन्हें लगता अपने आप को प्रूफ करते रहते हैं, सामने वाले को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, थोड़े बहुत नॉलेज कलेक्ट करके उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार से अपनी उन्नति में ही बाधक पड़ते हैं, यानी अपने प्रोग्रेस को ही वो कम करते हैं। और जो लोग किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं लोगों की बातें, वो अपनी समझ को लगातार बढ़ाते रहते हैं, लगातार इंक्रीज करते हैं, उनकी समझ लगातार बढ़ती है और वो उनके उन्नति में कोई भी, यानी उनकी प्रोग्रेस में कोई भी बाधा नहीं आती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, सामने वाले को भी चांस दीजिए अपनी बात कहने का। ठीक है थोड़े ये फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी जो कि बहुत जरूरी है, इस कहानी से ही कहीं ना कहीं रिलेट होती है। एक स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, शायद आप लोग के भी काम आए। कभी भी पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम जो प्रेजेंट में अप्लाई करके दुखी रहते हैं, ये चीज करना बंद कर दीजिए, आप लाइफ में बहुत हैप्पी रहेंगे। देखिए, सिचुएशन सेम हो सकती है, रिलेशन सेम हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर अलग है, यानी आप जिसके साथ वो सिचुएशन डील कर रहे हैं वो सेम पर्सन नहीं है, तो इंसिडेंट सेम कभी नहीं होगा। ठीक है, इंसिडेंट सेम कभी नहीं होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है, पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ हुआ है या फिर कोई इंसिडेंट है तो हमें लगता है बस हम ही ज्ञानी हो गए इस मैटर में, और अगर हमें दोबारा वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो हम सामने वाले अगर अच्छा पर्सन भी हमारे लाइफ में है तो उसके साथ भी हम वही ट्रीट करते हैं,
हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भरा रहता है कि नहीं पहले ऐसा हुआ है, मतलब अभी भी ऐसा होगा। तो ये चीज जो है ना, ये चीज अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर दीजिए। अगर कैरेक्टर सेम है तो इंसिडेंट सेम नहीं होगा। फिंगरप्रिंट कभी सेम हुआ है? नहीं होता है ना, तो फिर इंसिडेंट सेम कैसे होगा? तो अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को और अपने लाइफ में जो भी सारे इंसिडेंट है वहां पे आप ऐसे सोच सोच के परेशान होना और खुद दुखी रहना, सामने वाले को दुखी करना, अपने आप को दुखी करना, ये सारी चीजें मत करिए। ठीक है, खुश रहिए हमेशा। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि हर कोई चेंज होता है, आप चेंज होते हैं, हम चेंज होते हैं, हर कोई चेंज होता है। सिचुएशन सेम नहीं रहती, पर्सन सेम नहीं रहता, लोगों की समझ सेम नहीं रहती, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो पहले हुआ उसे छोड़ दीजिए, अभी जो है उसके साथ डील करिए, और पहले का जो भी कचरा है उसे डिलीट कर दीजिए। रिसाइकल बिन में भी मत रखिए, वहां से भी हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सेम पर्सन के साथ आपको डील नहीं करना है, अभी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन नहीं है। जब वो पर्सन नहीं है तो इंसिडेंट नहीं होगा। हाँ, वहां से सीख लीजिए, जो कुछ अगर आप में मिस्टेक है या फिर कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है उसे आप समझिए, लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। और हाँ, ऐसे ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग। थैंक यू सो मच।